इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत कुछ उलटपुरन हुआ है, बहुत कुछ उलटपुरन हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले राउंड से ही बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड बाहर होने के बाद मानो जो झटका, वो झटका पाकिस्तान को लगा है, हाँ पाकिस्तान को झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बाहर हो चुका है। पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है पहला राउंड में, मानो जो दूसरा राउंड मतलब सुपर एट में जाने का जो मौका था पाकिस्तान के पास, वो मौका गंवाया, क्योंकि यूएसए के साथ पहला मैच पाकिस्तान हारने के बाद, हाँ हारने के बाद वो जो लाख, वो लाख पाकिस्तान के हाथ में नहीं था, हाँ पाकिस्तान वो जो सुपर एट के रास्ता वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं था, क्योंकि वो यूएसए लगातार दो मैच जीतने के बाद यूएसए को चार पॉइंट मिला, उसके बाद जो फाइनल मैच यूएसए को साथ फाइनल मैच आयरलैंड के साथ काल जो हुआ है, उस मैच बारिश के वजह से रद्द हुआ है, हाँ बारिश की वजह से खेल नहीं सब पूरा हुआ, और इसके वजह से पाकिस्तान आउट हो चुका है, क्योंकि यूएसए तीन चार मैच खेलकर दो जीता है, एक मैच ड्रॉ हुआ है, मतलब पॉइंट टेबल में उनका पॉइंट है पाँच, और पाकिस्तान जो तीन मैच खेला है अभी एक जीत मिला है, दो हार मिला है, इंडिया के साथ हारा और यूएसए के साथ हारा, तो इसके साथ उनका पॉइंट टेबल में पॉइंट है दो, और पाकिस्तान की जो नेक्स्ट मैच वो आयरलैंड के साथ है, अगर जीतेगा भी तो चार पॉइंट होंगे, तो मानो ऐसे ही एग्जिट हो चुका है पाकिस्तान, हाँ ठीक है। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बाहर जाना, इस मानो ये जो ग्रुप, इस ग्रुप में बहुत बड़ा चमक है, क्योंकि कोई भी किसी भी फैंस नहीं सोचा था कि इस ग्रुप से पाकिस्तान आगे नहीं जा पाएंगे, सुपर एट में नहीं जा पाएंगे। क्या आप सोचा था, क्या आप सोचा था कि पाकिस्तान बाहर हो जाएंगे? मुझे, मैं तो नहीं सोचा था, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मुझे, मेरा मानना था कि इंडिया और पाकिस्तान इस राउंड से मानो आसानी से सुपर एट में चला जाएंगे, और जाना भी चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान इतना घटिया क्रिकेट खेला है इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान मानो बहुत घटिया क्रिकेट खेला है, और इसके वजह से, हाँ इसकी वजह से ही पाकिस्तान आउट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो पाकिस्तानी फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा धक्का है गुरु, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस जो, और बांग्लादेशी फैंस विशेष करके, बांग्लादेशी फैंस तो मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो बांग्लादेशी फैंस को लगता था कि पाकिस्तान जाएंगे जैसे ऐसे करके, हाँ कल, और पाकिस्तानी फैंस भी ऐसा नारा लगाया था कि यूएसए वर्सेस आयरलैंड मैच में आयरलैंड यूएसए को हरा देंगे और पाकिस्तान आयरलैंड को हराएंगे, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान जाएंगे, तो एक ही ग्रुप में मानो जो सुपर एट में एक ही सारी में खेलेंगे, फिर से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होंगे, लेकिन ये सब घटा नहीं, ये सब हुआ नहीं, क्योंकि बारिश ने जो सारे कारनामा रद्द कर दिया है, और बारिश की वजह से ये सब फंस हो चुका है। तो पाकिस्तानी फैंस के लिए निराशाजनक वर्ल्ड कप है, और उनका दुख समझता हूँ, लेकिन इंडिया वर्सेस यूएसए, ये दोनों इंडिया यूएसए, ये दोनों नेक्स्ट राउंड के लिए सुपर एट के लिए इस एक ग्रुप से क्वालिफाई हुआ है, ये जो यूएसए, हाँ यूएसए के लिए बहुत बढ़िया गर्व की बात है, क्योंकि यूएसए को मानो जो मेज़बान टीम होने की वजह से मौका मिला है, हाँ खेलने का T20 वर्ल्ड कप में, और वहाँ से मानो जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, खेला है, तो कमाल की प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए तो जो ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाई कर चुका है, और स्कॉटलैंड इंग्लैंड इन दोनों टीम की अंदर एक टीम क्वालीफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए सुपर एट के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को जाने का चांस ज्यादा है, फिर भी क्रिकेट उलटपुरन का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है स्कॉटलैंड भी आगे जा सकता है, तो ये तो देखा जाएगा। और जो ग्रुप सी से अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज गया है, हाँ ये जो वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान गया है, न्यूजीलैंड उगांडा पापुआ न्यू गिनी विदाई हो चुका है, और सुपर एट में, हाँ सुपर एट में जो ग्रुप ए, हाँ ग्रुप ए में इंडिया ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये चार टीम है, और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज वगैरह इंग्लैंड वगैरह जो आएंगे वो चार टीम है। तो ये तो जो ए ग्रुप वर्सेस बी ग्रुप, ए ग्रुप में चार टीम, दो टीम जाएंगे सेमीफाइनल में, तो मेरा मानना है यहाँ से इंडिया और साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और नेक्स्ट राउंड उधर से अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल का मैच होंगे, तो यहाँ पर जो टीम जीतेंगे वो फाइनल के लिए खेलेंगे। हाँ तो फाइनल से पहले इस बार इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच होने वाला है, हाँ ये होने वाला है, और ग्रुप इस बार मजा आने वाला है, अगर हारेंगे इंडिया तो सेमीफाइनल में हार जाएंगे, नहीं तो फाइनल लेके आएंगे, हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार। तो आप लोगों को क्या राय है, क्या इस बार कप ले आ पाएंगे, ले आ पाएंगे कप, आप कमेंट करके बताओ, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। और पाकिस्तान के लिए थोड़ा बैड लक है इस चीज़, हाँ पाकिस्तान को जो कप्तानी बाबर आजम, एक घटिया कप्तानी किया है, और इसकी वजह से ही पाकिस्तान हारा है, लेकिन पाकिस्तानी जो फैंस और क्रिकेट फैंस उनको क्या मानना है, क्या पाकिस्तान के जो गलती किया है, इनका जो दोष किसके पास है, क्या सारी खिलाड़ी को होना चाहिए या कप्तान के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कप्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कप्तान को, और अच्छा करता है तो कप्तान की तारीफ होता है, तो जब दल टीम बुरी किया है तो कप्तान की भी दोष होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या बनना है कमेंट करके बताओ।